सो गाइज, मैं नेम इज़ आशीष एंड यू आर वाचिंग रसल स्ट्रोक टैग टीम मैच। काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है सार्लेट फ्लेयर एंड सोनिया डेविल वर्सेस रोंडा रोजी एंड नेओमी के बीच में। तो आज की वीडियो हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पे पहली बार मीट करो तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन पे ऑल पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राइट नाउ आज के आप कह सकते हो कि एलिमिनेशन चेंबर पे पर व्यू में हमें ये मैच देखने को मिल रहा है, और किसी के बीच में नहीं बल्कि गाइज आप कह सकते हो कि और किसी के बीच में नहीं, जैसा कि गाइज अभी आप अपने स्क्रीन पे देख भी रहे हो, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये मैच हमें देखने को मिल रहा है और अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैच हमें देखने को मिल रहा है, और गाइज जैसा कि आपको मालूम होगा कि मैंने आपको वीडियो में मैंने बताया था कि रोंडा रोजी का हमें डेब्यू मैच देखने को मिल रहा है सऊदी अरब में, यानी कि सऊदी अरब में इससे पहले रोंडा रोजी का डेब्यू नहीं हुआ था। WWE जब सऊदी अरब में जाती है तो नहीं हुआ था, तो लेकिन हमें इनका डेब्यू मैच देखने को मिल रहा है। और गाइज अभी कुछ ऐसा सीन देखने को मिल रहा है कि रोंडा रोजी की जो टीम है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रही है सार्लेट फ्लेयर एंड सोनिया डेविल पे। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि सार्लेट फ्लेयर एंड सोनिया डेविल पे कुछ ज़्यादा ही डोमिनेशन है रोंडा रोजी एंड नेओमी का। तो अगर यही वाला मोमेंटम अगर रहता है तो मे बी इस मैच को सार्लेट फ्लेयर एंड सोनिया डेविल हार सकती है। लेकिन गाइज आपको भी पता ही है कि इस मैच का क्या रिजल्ट होगा, तो क्या ही बताना आपको। तो आज के मतलब एलिमिनेशन चेंबर प्रीमियम लाइव इवेंट में हमें वुमेंस की ओर से टैग टीम मैच यही मैच देखने को मिल रहा है, यानी कि सुपर डोम में एलिमिनेशन चेंबर में हमें यही कुछ मैच देखने को मिल रहा है, और मेरे अकॉर्डिंग इस मैच का कुछ यही रिजल्ट होगा। तो होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। फाइनली बाय बाय फ्रेंड्स।